सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी सिया और दबाइए इस बेल आइकन को और पाइए लेटेस्ट अपडेट। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 5A का जो प्राइस है वो प्राइस हो गया है इंक्रीज। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 5A Pro जो कि आपको 4999 तकरीबन 5000 का मिल रहा था, लेकिन अब आपको ये फोन मिल रहा है 5999 का, 2GB 16GB का जो वेरियंट था जिसकी सेल 15 मार्च को होगी वो अब फोन हो गया है गाइस 6000 का। तो गाइस अब देखना, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हैं इसके बुकिंग में, फ्लैश सेल में, और इस वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको मैं सारी चीज़ें कंप्लीट बता दूं कि क्या क्या चेंजेस हुए प्राइस के अलावा। आप फ्लैश सेल में बहुत से चेंजेस हुए तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि आपको दिख रहा है कि यार Redmi Note 5A का जो सेल है वो हो गया है 6000 का, कम से कम 5A हो गया 2GB 16GB वाला। तो आप जैसा कि देख सकते हो Redmi 5A ग्रे 16GB 2GB रैम के साथ इसका प्राइस यहां पर आपको दिख रहा होगा, और यहां पर आपको जो 5A है 3GB वाला उसका प्राइस आपको दिख रहा होगा। तो गाइज ये जो प्राइस अभी रेट इंक्रीज हुए सडनली रात 12 बजे के बाद ये इंक्रीज हुए, और ये अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ। तो गाइज अगर आपको, लेकिन इसके अंदर एक और चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस हुए हैं आपको अगर Redmi 5A के अगर खोलोगे तो इसमें दिखेगा आपको फ्लैश सेल के अंदर आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी अब फ्लैश सेल के अंदर नहीं रही है। तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 5A की जो सेल थी Redmi Note 5 Pro की सेल में तो कैश ऑन डिलीवरी हट गया, लेकिन इसके बाद इसमें भी कैश ऑन डिलीवरी हट गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ईजी पेमेंट ऑप्शन पे EMI आ रहा है, नेट बैंकिंग आ रहा है, क्रेडिट कार्ड आ रहा है, डेबिट कार्ड आ रहा है, ATM कार्ड आ रहा है, लेकिन अगर आप व्यू डिटेल पे भी क्लिक करते हैं तो नहीं शो करेगा आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। तो गाइज ये सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ से ये क्या हो रहा है कि मतलब यार ये सेलिंग कैसे हट गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कैश ऑन डिलीवरी हट ही गया है यहाँ से। तो अब ये तो बहुत ही गंभीर बात हो गई कि ये हट गया है। अब लोग देखते हैं इसे कितना बुक करते हैं कितना नहीं, क्योंकि पहले 5A बहुत ज़्यादा बुक हो रहा था, लेकिन अब कैश ऑन डिलीवरी इस पर हट जाने के बाद और 1000 प्राइस इंक्रीज होने के बाद क्या लोग इस फ़ोन को लेना चाहेंगे नहीं, ये देखेंगे अब अगली 15 तारीख को जो सेल होगी उसमें देखेंगे कि लोग कितने लोग परचेज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।